जम्मू की आवाम को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात। अक्टूबर तक 100 इलेक्ट्रिक बसें चलने का दावा। इलेक्ट्रिक बसों के ट्रायल की प्रक्रिया भी हुई शुरू। हाईकोर्ट के नए परिसर के निर्माण पर विवाद। वकीलों का एक गुट कर रहा फैसले का विरोध। हाउस की बैठक में हंगामा। होमने के उपजे आसार। और हीरानगर के गांव माधा में दो हफ्तों से बिजली गुल। ट्रांसफार्मर के जमीन पर गिरने से हुई सप्लाई ठप। बिजली की सप्लाई बंद होने से लोग हुए परेशान। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि किस तरह से जम्मू शहर को अब सौगात मिलने जा रही है। जम्मू शहर की आवाम को अब जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलेगी, जिसमें लोगों के स्मार्ट सफर का सपना अब जल्द दूर होने जा रहा है। और इसके लिए इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 30 अगस्त तक शहर में 60 इलेक्ट्रिक बसें चलना शुरू हो जाएंगी और अक्टूबर महीने के अंत तक 100 इलेक्ट्रिक बसें चलने का दावा किया जा रहा है। इस पर आप देखिए किस तरह से अब हर किसी की नजर जो है वो बनी हुई है। लेकिन फिलहाल 100 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारने का एक बड़ा दावा यहां पर सरकार की तरफ से किया गया है। अब देखना यह होगा कि कब तक ये 100 बसें यहां पर उतारी जाएंगी। सुचारू रूप से जिस तरह से सीएनजी जो बसें हैं वो पहले यहां पर उतारी गई थी, लेकिन कई तरह के सवाल ये निशान उन पर भी लग गए कि सबसे पहले यहां पर आप देखिए किस तरह से पेट्रोल पंप की कमी महसूस की गई थी और उसके बाद ही यहां पर आगे का काम किया जाना चाहिए था। लेकिन फिलहाल इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारने की बात कही गई है। तो जम्मू कश्मीर की आवाम को अब एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसमें आप देखिए जम्मू शहर के अंदर 100 इलेक्ट्रिक बसें उतारने का बीड़ा उठाया गया है। लेकिन फिलहाल 30 अगस्त तक शहर में 60 इलेक्ट्रिक बसें चलना शुरू हो जाएंगी और अक्टूबर महीने के अंत तक यहां 100 बसें रास्ते पर उतारी जाएंगी। लेकिन फिलहाल आम जनता इस पर किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देगी और कैसे ये पूरी तरह से सुचारू रूप से इनके रूट यहां पर डाइवर्ट किए गए हैं, कौन कौन से रूट रखे गए हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। शिल्पा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिल्पा, किस तरह से ये बसें जो है वो संचालित की जाएंगी सड़कों पर और किस तरह से काम चल रहा है अब? जम्मू कश्मीर को प्रदूषण से करने की यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है और उसके चलते योजना योजना लाई गई है, यानी कि ई बस जल्द जम्मू पर दौड़ी जाएंगी। फिलहाल आपको बताने के लिए यानी कि 9 मीटर वाली लंबी और 12 मीटर वाली लंबी बस जम्मू दौड़ी। फिलहाल 9 मीटर लंबी बसें चालू कर ट्राई किया जा रहा है, जहाँ पर ये पुख्ता किया जा रहा है कि क्या वो जिस तरीके से मेटाडोर जो है वो चलती है, क्या उनका मुकाबला कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वेदर कंडीशन की बात करें तो बारिशों में कितनी वो रफ्तार दे रही है, गर्मियों में कितनी रफ्तार दे रही है, उसकी पूरी पुष्टि जो है वो की जा रही है और अलग 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 ये ट्रायल भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं कि अंकोला बठिंडी रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर इन इलाकों पर ट्रायल हो चुका है और अब अलग अलग इलाकों पर जो है वो ट्रायल किया जा रहा है। अगर 9 मीटर बसेस की बात करें तो 9 मीटर बसेस जो कि लंबी जो इस वक्त ट्रायल चल रहा है वो 100 किलोमीटर जो है वो तक चलेंगे, यानी कि एक चार्जिंग पर चलेंगे और उसके बाद जो है उन्हें 30 मिनट की चार्जिंग की जाएगी, 25 से 30 किलोमीटर तक चलेंगे। जो 12 मीटर वाली बस माफ कीजिएगा 12 लंबी वाली जो बसेस है वो आनी अभी बाकी है, उनमें जो है वो लगभग 45 चार्जिंग पॉइंट को लेकर बात कर लेते हैं। पिछली बार भी आपने देखा था कि सीएनजी की जो बसेस चलाई गई थी सड़कों पर उसमें भी चार्जिंग पॉइंट को लेकर और कैसे वहां पर आप देखिए गैस जो है वो भरनी है इसको लेकर सवाल या निशान उठे थे। क्या लगता है कि इस बार जब यहाँ इलेक्ट्रिक बसों को रास्ते पर उतारा जाएगा मुकम्मल तरीके से वहां पर पहले चार्जिंग पॉइंट बनाने की जरूरत है, क्या उस पर काम किया गया है? देखिए जिस तरीके से चार्जिंग पॉइंट का बैटरी का काफी ज्यादा इश्यू जो है वो पिछले समय में जितने समय में देखने को मिला था, हालांकि इस वक्त जो ई बस जम्मू में दो रूमों में भी कई सारे ऐसे फॉल्ट जो है वो नजर आ रहे हैं, जिसके चलते कम ई बस जो है वो सड़कों पर दौड़ रही है। इसी का ट्रायल जो है वो चल रहा है कि बैटरी यानी कितने मुकाबले कितने किलोमीटर तक जो है वो बैटरी सफर तय कर पाएगी और किस तरीके से ये ई बस जो है वो बारिशों में और गर्मियों में चल पाएगी, इन सब चीजों का जो है ट्रायल किया जा रहा है। लगभग 3-4 दिन हो चुकी है क्योंकि ये ई बस जो है वो दो। शिल्पा ये बताइए कि जिस तरह से सिर्फ जम्मू शहर की बात हुई है, क्या शहर के बाहर भी इन बसों को लगाया जा सकता है? जिस तरह से पहले कटरा के लिए रूट यहां पर निर्धारित किया गया था लेकिन वो फेल होता ही नजर आया था, सीएनजी बसेस को लेकर बात करें, या फिर सिर्फ जम्मू शहर के अंदर ही इन बसों को घुमाया जाएगा?
जी देखिए, जो 12 मीटर लंबी वाली बसेस है वो बाहरी एरिया में चलेंगी, यानी कि बाहरी डिस्ट्रिक्ट में चलेंगी। सावा की बात करें, कटरा की बात करें, तो वहाँ पर कठुआ में ये 12 मीटर लंबी बसेस चलेंगी, जहाँ पर आपकी उनका ट्रायल नहीं चल रहा है, लेकिन जो 9 मीटर लंबी बसेस है उनका ट्रायल जो है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ही बसेस जो है उनकी नजर आएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से जम्मू शहर के अंदर फिलहाल यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसेस को उतारने की बात कही गई है, और उसके बाद यहाँ आप देखिए जो लंबी बसेस बताई जा रही हैं शिल्पा की तरफ से, उन बसों को रूट के बाहर भी भेजा जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी देखना ये होगा कि जिस तरह से 30 अगस्त का समय रखा गया है, 60 बसेस को सड़कों पर उतारा जाएगा और उसके साथ ही 100 बसेस जो है वो सितंबर तक उतारती जाएंगी, लेकिन किस तरह से ये बसेस काम करेंगी, मुकम्मल तरीके से ये सफल भी हो पाएगा या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अब जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को लेकर आपको खबर दिखा देते हैं, जहां पर आप देखिए जम्मू हाईकोर्ट के नए परिसर से या रैका के निर्माण के फैसले का जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जहां समर्थन कर रही है, वहीं वकीलों का एक गुट यहां पूरी तरह से विरोध कर रहा है और विरोध करने पर उतर आया है। तो जम्मू में आज दोपहर एसोसिएशन के हाउस की बैठक होने जा रही है, जिसमें इस मुद्दे पर हंगामा होने के आसार नजर आ रहे हैं। और आपको बताते चले कि इससे पहले भी आपने देखा था कि यहां पर बार एसोसिएशन किस तरह से सड़कों पर उतरती नजर आई, क्योंकि जिस तरह से प्रेसिडेंट पर कई तरह के सवाल या निशान लगा दिए गए कि एक मुद्दे को लेकर वो ग्राउंड पर उतरे थे और प्रेसिडेंट की कुर्सी उन्हें दी गई थी, लेकिन मुकम्मल तरीके से सहमति नहीं बन पा रही थी और सरकार की हां में हां वो मिलाए जा रहे थे, उसकी वजह से काफी तरीके से हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर मुकम्मल तरीके से कश्मकश की स्थिति बनती नजर आई थी। लेकिन फिलहाल आप देखिए आज फिर से खबर सामने आई है, जहां पर जम्मू हाईकोर्ट के नए परिसर के रैका में निर्माण के फैसले का जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जहां समर्थन कर रही है, वहीं वकीलों का एक और गुट जो है वो फैसले का विरोध कर रहा है। जम्मू में आज दोपहर एसोसिएशन के हाउस की बैठक होने जा रही है, और इस बैठक में कौन कौन लोग हिस्सा ले रहे हैं और किस बात को लेकर चर्चा होगी, इस पर बातचीत करेंगे। अनिल ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। अनिल, क्या लगता है कि जो दोपहर में आज बार एसोसिएशन की बैठक होने वाली है, किन मुद्दों को लेकर होने वाली है और कौन कौन लोग भाग ले रहे हैं इसमें? देखिए आशय, सबसे बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट के अंदर जो बार एसोसिएशन की बैठक होने जा रही है, जनरल हाउस की बैठक है, ये बेहद खास रहने वाली है। हालांकि बार एसोसिएशन के अगर हम बात करते हैं, इसमें जो इसमें सीनियर अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, जो अभी तक जानकारी मिल रही है। हालांकि लगातार जो है यहाँ पर बार एसोसिएशन के मेंबर्स का आना तांटा हुआ लगा हुआ है, और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की बात करते हैं तो जिसको लेकर इसमें लगातार आस्थित बनी हुई है, जिसमें कहीं ना कहीं जो रायका को लेकर, जहाँ पर हाईकोर्ट को शिफ्ट करने को लेकर रायका में जो आपने देखा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर उसका शिलान्यास भी किया था, और उस चीज आपने देखा किस तरह से इस काफी ज्यादा चटपटी और इसको लेकर कई सारा मुद्दा जो है वो जम्मू कश्मीर में गरमाया था, मगर आज इसको लेकर जो है हालांकि दूसरी जनरल हाउस की बैठक है, जिससे कई ऐसे फ्रेंड्स जो है वो इसको लेकर विरोध कर रहे हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि इसको रायका में शिफ्ट नहीं करना चाहिए, और जिसको लेकर लगभग जो है ऐसी जो आंकड़ा हमारे तक है कि 700 के करीब ऐसे वकील हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, और उनका यह साफ कहना है कि हमारी जो नीति यहाँ पर जो हम प्रैक्टिस किया करते थे या फिर पूरी तरह से हम देख किया करते थे, तो उनका साफ तौर पर जो है एक कड़ा मोर्चा जो है एसोसिएशन के खिलाफ जो है वो खोल हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अनिल, जिस तरह से बार एसोसिएशन की रैका को लेकर ही मांग उठ रही थी और एक ही छत के नीचे सब कुछ यहाँ पर होना चाहिए, इसको लेकर भी मांगे देखी गई थी, लेकिन फिलहाल जो बैठक आज होने वाली है वो कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है, और क्या दोनों गुटों की आपस में सहमति बन सकती है या नहीं, क्योंकि इस वक्त बार एसोसिएशन के अंदर दो गुट बनते नजर आ रहे हैं। देखिए ये साफ जाहिर है कि दो गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछली बार आपने कहा था कि जो जनता कुछ की बैठक हुई थी उसमें जोरदार हंगामा देखने को मिला था, हालांकि आज इसी तरह के संकेत जो है वो देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बैठक से पहले लगातार जो है मेंबर यहाँ पर आना शुरू हो चुका है, अब ये देखना होगा कि जो अंदर यहाँ पर चर्चा होती है कितनी खास रहने वाली होती है, क्या इस पर सहमति बनेगी, और सूत्रों के अनुसार भी जानकारी मिल रही है कि अगर इस पर जो है सहमति नहीं बनती है तो आने वाले समय इसका कड़ा विरोध जो है भी हमें देखने को
को मिल सकता है। चलिए अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि आने वाले समय ही बताएगा कि आखिर किस तरह से बार एसोसिएशन की ये मीटिंग हुई है और क्या कुछ नतीजे निकल कर सामने आए हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको जिला कठुआ लिए चलते हैं। और जिला कठुआ के अंदर आप देखिए, मड़ेन तहसील के ही सीमावर्ती गांव माधा में पिछले 2 हफ्तों से बिजली की सप्लाई ठप पड़ी हुई है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। इस गर्मी के मौसम में भारी मुसीबतों का सामना वो कर रहे हैं और ग्रामीणों द्वारा बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी JPDCL के अधिकारी यहाँ कोई काम करते नजर नहीं आए हैं। आपको ये भी बताते चले कि 19 जुलाई को हुई भारी बारिश के बाद यहाँ आप देखिए पाग नाले में जो बाढ़ आई है, पानी गांव में घुस गया था और इस दौरान गांव का बिजली का ट्रांसफार्मर जमीन पर गिर गया था, जिसके बाद गांव की बिजली पूरी तरह से ठप कर दी गई है। और फिलहाल आप देखिए 19 जुलाई को बारिश होती है और आज यहाँ पर 31 जुलाई है, लेकिन अभी तक इन लोगों को राहत नहीं पहुंचाई गई है। महज इस ट्रांसफार्मर को उठाने की भी मशक्कत यहाँ अधिकारियों की तरफ से नहीं की गई है। तो जाहिर तौर पर सवाल या निशान विद्युत विभाग पर भी लगता है कि आखिर जो PDD डिपार्टमेंट है वो किस तरह से काम कर रहा है, और अगर इस ट्रांसफार्मर पर जो तारे लगी हुई हैं वहां अगर पीछे से लाइट आ जाती है या विद्युत विभाग की एक बड़ी लापरवाही इसे कहा जा सकता है, करंट की चपेट में लोग आ सकते हैं, काफी तरीके से जानमाल का नुकसान हो सकता है। लेकिन क्या अभी तक यहां पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, आखिर क्या वजह रही है, इसी पर बातचीत करेंगे। रंजीव मेहता ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, लेकिन साफ तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से ट्रांसफार्मर जो है वो बीच रास्ते में इस वक्त पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक खेत के अंदर से इस ट्रांसफार्मर को उठाया नहीं गया है। आवाजाही के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल होता है, लेकिन समझिए अगर छोटा बच्चा, बड़े बुजुर्ग, कोई भी इंसान इसकी चपेट में आ जाए तो किस तरह से बड़ा हादसा हो सकता है। रंजीव ने हमारे साथ ज्वाइन किया। रंजीव, आखिर क्या लगता है कि किस वजह से विद्युत विभाग अभी तक अपना काम नहीं कर पाया है, महज 19 जुलाई को बारिश होती है और आज 31 जुलाई है। बिल्कुल आशा, यहाँ पे तो लापरवाही जो है वो सामने दिख रही है। विभाग, बिजली विभाग कहने में तो बड़े बड़े बिल और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब लोगों को सहूलियत देने की बारी आती है तो इस तरह के मंजर हमें जो ग्राउंड जीरो पे मिलते हैं। क्योंकि 19 जुलाई को जो बाढ़ आई थी बाग नाले में, ये हीरानगर सब डिवीजन का ये जो सबसे आखिरी गांव है जो पंजाब और पाकिस्तान की सीमा से लगता है, माता गांव है, यहाँ पर भी काफी नुकसान हुआ था। काफी लोगों की उपजाऊ भूमि बह गई थी, खड़ी फसलों को भी नुकसान हुआ था और बिजली का ढांचा जो वहां पे गांव को सप्लाई करने वाला बिजली का ट्रांसफार्मर का स्टेशन जो है, पूरे जो उसके खंभे थे उसके साथ ही पूरा उखड़ गया और पूरी बाढ़ में बह गया। तस्वीरों में साफ दिख रहा है इसकी तबाही के जो दृश्य हैं वो सामने दिख रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पे बिजली विभाग ने, अभी मेरी पहले फोन पर बात हुई AW हीरानगर सुरेंद्र सिंह से, तो उन्होंने बताया कि हमारे जो लड़के हैं कर्मचारी हैं उन्होंने पिछले कल से काम शुरू किया है, लेकिन अभी तक वहाँ कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि लाइन के जो पोल हैं वहाँ बिजली के वो भी काफी उखड़ चुके हैं वहां पर, जिसके कारण वहां पे काफी परेशानी है लोगों को। क्योंकि लोगों का कहना है, रंजीव यहाँ पर सवाल ये है, लोगों का हमेशा कहना है और विभाग क्यों काम नहीं कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। आखिर कहाँ पर परेशानी आ रही है, क्यों इतना काम लेट किया जा रहा है? और ये उस सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, यहाँ पर रंजीव, की ट्रांसफार्मर जिस तरह से खेत के बीच में गिरा हुआ है, अगर कोई चपेट में उसकी आ गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिजली लाइन जो है वो काट चुकी है इसकी, अच्छा मैं आपको बताऊं, क्योंकि लाइन तो उसी दिन की काट चुकी है, बिजली सप्लाई बिल्कुल ठप है गांव में। और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि विभाग लगातार बिल इतने भारी भरकम भेज रहा है, लेकिन बिजली मिले हुए हमें आज 14वां दिन है, 14 दिन हो गए पूरे उनको बिजली मिले हुए, 14वां दिन है। लेकिन महज रंजीव, बिजली की सप्लाई को ठप कर देना कि ट्रांसफार्मर नीचे गिर गया है, उसकी चपेट में कोई ना आए, तो बिजली विभाग का काम खत्म नहीं हो जाता है? इस ट्रांसफार्मर को खड़ा करने की जरूरत थी, लोगों को बिजली फराहम कराने की जरूरत थी, उनकी जवाबदेही उनकी इसलिए जवाबदेही बनती है। बिजली विभाग की जिम्मेवारी है लोगों तक बिजली पहुंचाना, और जितने भी उनका काम है, इतनी लचर प्रणाली है, उनके पास स्टाफ की कमी की दुहाई जो है बिजली विभाग से।
जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे रंजीव मेहता, जो बता रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी के साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पर पीडीडी डिपार्टमेंट की, तो अब पीडीडी डिपार्टमेंट पर भी सवाल या निशान उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बिजली जो है वो सप्लाई क्यों नहीं मिल पा रही है, क्यों आखिर इस पर काम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को काफी परेशानियां झेली पड़ रही है। चलिए आपको सीधा हरियाणा लिए चलेंगे, जहां पर कुरुक्षेत्र के अंदर ही मनोहर लाल खट्टर जो कि मुख्यमंत्री हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको दिखा देते हैं। लक्ष्मण को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, उनके इतिहास के बारे में बहुत सी बातें यहां बताई गई हैं, लेकिन जो कुछ जानकारियां ऐसी भी हैं, शायद चर्चा हुई कि नहीं हुई, मेरे आने से भी पूर्व भी हो सकती हैं, बहुत गरीब परिवार, सामान्य परिवार से वो बालक जिसका जन्म 26 दिसंबर 1899 में संगरूर जिले के सुनाम कस्बे में हुआ, बालक सेवाभावी था, बचपन का नाम शेर सिंह था, और जब भी कभी उत्साहपूर्वक ऐसे मंगल कार्य होते थे, मेले लगते थे, ऐसे स्थान पर सेवा करने के लिए पानी भी पिलाने का काम वो करते थे, जैसे एक युवक की मन की इच्छा के अनुरूप सेवा भाव से। बैसाखी का दिन 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में जो एकत्र हुआ, उस समय देश की आजादी की ज्वाला सब लोगों के मन में धधक रही थी। बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में जैसे मेला लगता वैसा मेला भी लगा, और वहां देश गुलाम था, आजाद कराने के लिए तरह तरह की भाषण, तरह तरह की चर्चाएं वहां हो रही थी, और वह अचानक जालिम अंग्रेज सरकार के कुछ अफसरों ने गोली चलाई। 3 अधिकारी सीधे सीधे उस नरसंहार के और जिम्मेवार थे। शेर सिंह अपनी आंखों से वो देख रहे हैं, गोली बहुत चली, गोलियों की बौछार हुई, वहां जनरल डायर उसमें थे, और इसी प्रकार से वहां अन्य अधिकारी जनरल मोयली, माइकल सर माइकल दवायर वहां थे, एक जेटलैंड नाम के अधिकारी थे। तो ऐसे इन अधिकारियों के आदेश पर लोगों ने जान बचा करके भागने की कोशिश की, कुछ लोग गोलियों से भुन गए, बहुत लोगों ने इज्जत बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन बालक सारा दृश्य देखता रहा। शेर सिंह बच तो गया, बच गया, लेकिन मन में क्रोध की अग्नि उस समय उबाल खाने लगी कि मैं देश के लोगों के ऊपर, निहत्थों के ऊपर गोलियां चलाने का बदला लेकर के ये जो सामने दिख रहे अधिकारी हैं इनकी हत्या करके मैं बदला लूंगा। और उस दिन से मन में तरह तरह की तैयारियां शुरू हो गई, क्योंकि सारे विदेशी अधिकारी थे, इंग्लैंड में थे, विचार बना लिया कि इंग्लैंड जाकर के और मौका कोई ना कोई प्राप्त करते ही जनरल ड्वायर को मारना है। कहते पहले उधम सिंह नाम नहीं था, विदेश जाने के लिए नाम भी बदल लिया, उधम सिंह नाम से विदेश चले गए, और वहां जाकर जैसा अभी हमारे कर्णदेव जी सारा विषय बता रहे थे एक मीटिंग के अंदर, इन अधिकारियों को वहां पहुंचना था, जनरल ड्वायर को भाषण देना था, भीड़ भरा हॉल, किताब के अंदर एक खांचा बना करके अपना पिस्टल डाल के ले गए। जैसे भाषण देकर जनरल ड्वायर बैठे, धड़ाधड़ कुर्सी पर बैठे बैठे 3 गोलियों से मार दिया, और हत्या करने के बाद वहां से भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीना चौड़ा करके उन्होंने कहा कि मैंने अपने देश के अंदर जो कत्लेआम देखा है उसका बदला गोलियां चलाकर जनरल ड्वायर को मार करके बदला ले लिया है। पुलिस ने पकड़ लिया, पकड़ते ही पूछा तुम्हारा नाम क्या है, कहने लगे मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह। उन्हें नाम अपना उधम सिंह उस समय नहीं बताया,
राम मोहम्मद सिंह, पास में जो और लोग थे उन्होंने पूछा हल्के से, तुम्हारा नाम उधम सिंह ना, तुमने राम मोहम्मद सिंह क्यों बताया? कहेंगे देखिए मेरे देश के लोगों को मैं इस नाम से जगाना चाहता हूं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, इनको इस एक नाम से जगाया जा सकता है। राम हिंदुओं के लिए, मोहम्मद मुसलमानों के लिए, सिंह सिखों के लिए। मन में उस समय विचार था मेरे देश के लोग जागृत कैसे हो। ये दिन 1940 13 मार्च का था। 1940 के बाद हम देखते हैं कि इस देश के अंदर उस समय कितना क्रांतिकारी बदलाव हो रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन भी उस समय किया। दुनिया का दूसरा विश्व युद्ध उस समय हुआ। देश को किसी भी तरीके से आजाद कराना है, क्रांतिकारी भी उठ खड़े हुए, शांति दूत महात्मा गांधी की यात्राएं भी उस समय शुरू हुई, सारे देश में जन जागरण चल रहा था। अंग्रेज ने पकड़ के जेल में डाल दिया और देखिए उनकी चुस्ती फुर्ती, दो दिन के अंदर अंदर दोषी करार दे दिया, फांसी की सजा सुना दी और चार महीने के अंदर अंदर 31 जुलाई 1940 को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। उस दिन इस देश के लोगों के रोंगटे खड़े हुए कि शहीद उधम सिंह ने देश के लिए जान दी है, हमको इस अंग्रेज को यहां से भगाना है, देश को आजाद कराना है। ये मैं समझता हूं उनकी इतनी बड़ी प्रेरणा थी कि उनको कभी भुला नहीं सकते हैं, कभी भुला नहीं सकते। आखिर आज हम खुली हवा में, आजाद भारत में सांस ले रहे हैं तो केवल ऐसे बलिदानियों के बलिदान के कारण से ले रहे हैं। इंग्लैंड की धरती पर, यानी भारतवर्ष से बाहर क्रांतिकारियों में किसी का इस प्रकार का फांसी से फंदा चूमने का ये इनका दूसरा उदाहरण था। उससे पहले मदनलाल धींगड़ा भी कर्नल वाहेली को मार करके उन्होंने भी फांसी का फंदा वहीं चूमा था। ये उस समय के इतिहास भरे पड़े हैं। आज हम ऐसे लोगों को याद करते हैं, देश आजाद हैं, और जिन्होंने, आप देखिए जलियांवाला हत्याकांड का बदला किस तरह से अपनी 6 गोलियों से लिया था। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको जिला डोडा लिए चलते हैं। और डोडा शहर के बीचों बीच कई सड़कें ब्लैक टॉपिंग के लिए तरस रही हैं, लेकिन प्रशासन और संबंधित विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। आलम यह है कि स्थानीय लोग खुद सड़कों पर पड़े हुए गड्ढों को अस्थायी रूप से भरने को मजबूर हैं और ये गड्ढे आए दिन हादसों का सबब बन रहे हैं। तो प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है। आखिर आप देखिए इसकी वजह क्या है, किस वजह से ये गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं? जाहिर तौर पर एक सवाल या निशान जरूर बन रहा है, क्योंकि ये छोटे छोटे गड्ढे किसी की भी जान ले सकते हैं, इसलिए ये गड्ढे जानलेवा बन सकते हैं। लेकिन उस बीच में जो विभाग है वो दावा पेश करता है, तो उस दावे पर कितनी सच्चाई है? क्योंकि महज आप देखिए इन गड्ढों को भरने के लिए किस तरह से खानापूर्ति की जा रही है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए वसीम गट्टू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, क्या लगता है कि आखिर रोड विभाग अभी तक काम करने में नाकामयाब क्यों सिद्ध हुआ है? देखिए आरएनबी महकमा डोडा की अगर हम बात करें तो टोटल फेल नजर आता हुआ देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हम जानते हैं कि हाल ही में हमने एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी साइन बोर्ड के ऊपर, पूरे शहर के अंदर साइन बोर्ड कुछ अरसे पहले लगाए गए थे और किस तरह से वो डिफेक्ट पड़े हुए थे, यानी कि गिरे हुए पड़े थे। उसके बाद जब हमने खबर दिखाई, खबर का असर भी देखने को मिला। वहीं पे अगर हम बात करें आज की, तो आज लगातार आप देख रहे हैं कि लोग इस तरह से मीडिया के सामने ये बता रहे हैं कि गड्ढे पूरे शहर के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अब जब महकमे हमने अलर्ट किया, महकमे को बताया कि आप इस चीज को सुधारिए, अगर मैं नहीं सुधार रहा है, आप लोग इसको खुद मिट्टी वगैरह डाल रहे हैं ताकि लोगों को नुकसान, वसीम बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि वसीम गट्टू हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर
काम जो है वो रोड विभाग की तरफ से नहीं किया गया है, आरएनबी डिपार्टमेंट की तरफ से ही कई तरह से आप देखिए काम करने की कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल अभी तक लोगों को सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि लोगों को अब भी आप देखिए खुद से ही ये सारा काम करना पड़ रहा है। मुकम्मल तरीके से कई तरह के सवालिया निशान जरूर उठ रहे हैं, क्योंकि समझिए कि जिस तरह से ये गड्ढे यहां पर हैं ये किसी की भी जान ले सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अब सीमा सुरक्षा बल ने आरएसपुरा के ही अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देर रात घुसपैठ की कोशिश को नाकामयाब बनाते हुए नए घुसपैठियों को मार गिराया है। इससे पहले 24 जुलाई को बीएसएफ ने जम्मू के सांबा सेक्टर के रामगढ़ इलाके में नशीली दवाओं की तस्करी के प्रयास को विफल करते हुए एक संदिग्ध पाकिस्तानी तस्कर को मार गिराया था। बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि जवानों ने घुसपैठ के दौरान यहां पर इस घुसपैठिए को मार गिराया है, और जब उनसे बार बार आप देखिए किस तरह से चेतावनी दी गई उसने नजरअंदाज कर दी, और उसके बाद यहां पर देर रात सतर्क सैनिकों ने अरनिया सीमा इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार संदिग्ध गतिविधियां देखने और इस घुसपैठिए को बीएसएफ बाढ़ की ओर आते देखा, जवानों ने उसे मार गिराया और घुसपैठ की कोशिश को नाकामयाब कर दिया। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए कुलिस्तान न्यूज के साथ।